हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम बहुत एक्साइटेड, एक्चुअली मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारे घर में न्यू बेबी आने वाला है, लाइक कुछ ही घंटे में बेबी आएगा, 2 या 3 घंटे में। सो अभी मैं हूँ दीदी के यहाँ पे और दीदी का डिलीवरी अभी जस्ट सी सेक्शन होने वाला है एंड शायद 12-1 बजे तक होगा। डॉक्टर ने हमको 9 बजे तक बुलाया है, अभी जस्ट टाइम हुआ है 8 बजे और दीदी अभी तक उठी नहीं है। रात में एक्चुअली वो सोई नहीं थी तो उसको हमने उठाया नहीं अभी तक। जस्ट वो उठेगी, थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल। उठ गई है अभी, उसको मैं कुछ चाय वगैरह देती हूँ। क्या बोल रही? थम चाय होता है। सो हाउ डू यू फील दीदी? लिटिल नर्वस नहीं ना? उससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं ही हूँ। सबसे कब से उठी मैं? 6 बजे उठी है ना मम्मी, 6:15। और वो 6 बजे उठने का छोड़ो, मैं रात भर सोई नहीं, हर एक एक घंटे में उठती थी, मम्मी को ऐसे ऐसे करती थी, फिर सोती थी। लग रहा दिन कब निकले, फिर 6 बजे हम उठ गए मम्मी और मैं। दीदी अभी 8 बजे उठी है, उसको जल्दी जल्दी रेडी कराती हूँ, मैं अभी उठ जाती हूँ हॉस्पिटल लेकर। इसके बाद आएगा बेबी। दीदी कौन भाई जी? पोगी भाई जी, पोर्गी भाई जी। इसलिए हमको लगता है लड़की हो जाए, बस भगवान से मैं अभी दुआ करूंगी कि लड़की हो जाए। मामा तू नहीं आना रे, मम्मी आरो के साथ घर पे रहेगी। मम्मी मैंने चप्पल दे भूलूंगी। माँ क्या करती? मम्मी पोहा बना रही है। मम्मी घर पे रहेगी, मैं दीदी और चुचू जाने वाले हैं और अभी 9 बज रहे, हम जस्ट नाश्ता करेंगे और निकल जाएंगे। उसके बाद मैं देख मिलती हूँ आपको हॉस्पिटल में। ये देखो कसरत कर रही है अभी भी, चेयर वेयर उठा के। तो गोलू गोपुर से भाई मम्मी ने पा दिया, थैंक यू मम्मा। देखो कुछ वीडियोस देख रही है, हम रील्स बनाने के लिए सोच रहे हैं। आरओ के टाइम पे कुछ भी नहीं बनाया था तो उसने कुछ सिलेक्ट करके रखे हैं। आरओ अभी जस्ट उठा और देखो नींद में ही गॉगल लगा के बाहर आया। आरओ गुड मॉर्निंग बाबू, तू ये तो ही सोबत दीदी लाना ले तो सोबत। तुला सुई देईन डॉक्टर, डॉक्टर कशाला तुला सुई देणार? नाही आईला देईल, माई ठीक होऊन जाणार। आरो मी दीदीला घ्यायला चालले, तुला यायचंय? तू पण येतो? कोणाला घेऊन येऊ मी? दीदीला घेऊन येऊ कि दादाला घेऊन येऊ? दीदीला घेऊन येऊ। मग तू घरी थांब, मी दीदीला घेऊन येणार। दीदीला बघायला येशील ना थोड्या वेळाने? दादा बेबी गर्ल बेबी बॉय काही पण होऊ दे, इट्स ओके, पण आम्हाला बेबी गर्ल पाहिजे, म्हणजे आजूला दीदी पाहिजे ना। दीदी काय पाहिजे आजू तुला? दीदी बघा, दीदी अभी हम जस्ट पहुंच रहे हैं, एडमिट की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहे थे अभी। दीदी स्माइल। Thank you.
डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो रही है। हो गए सारी, हम रूम के इधर जा रहे हैं। सो प्रोसेस स्टार्ट हो गया अभी। दीदी को जस्ट ऑपरेशन थिएटर का जो रूम है वहाँ पे मैं उनको बोली मैं आती हूँ नीचे अंदर, तो बोले नहीं सी बेबी के हार्ट बीट चेक करेंगे, उसके बाद दीदी को सलाइन लगाएंगे और रूम भेज देंगे। अभी जस्ट बेबी के हार्ट बीट चेक किया और दीदी को ये कुछ लगाया है हाथ में, देखो इसमें से भी सलाइन लगाएंगे। हम बैठे अभी डॉक्टर का वेट है, नर्स का वेट कर रहे हैं। टीवी भी चल रही है लेकिन टीवी पे कुछ है ही नहीं। सो अभी दीदी को लेकर गए ऑपरेशन थिएटर में, फाइनल वो बोले अभी कि 5-10 मिनट लगेगा। तो डर भी लग रहा है और आई होप सब अच्छे से हो जाए। 2:28 फीमेल मम्मी सब बैठे So guys, लड़की हुई है एंड ये पूरा आरोग्य से दिख रही है और बहुत सुंदर, और हमको लड़की ही चाहिए थी। सो अभी दीदी भी ठीक है और दीदी है ना, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फाइनली हमारी प्रिंसेस, अभी जस्ट मैंने उसको दूध पिला के सुलाया है, अभी आगे बाहर एंड शी इज ऑल ओके। बराबर है ना, वो ठीक है। उसको खाना खाने के लिए अभी बोले 9:30 बजे तक कुछ भी नहीं देना है, उसके बाद थोड़ा चाय और बिस्किट देना, उसके बाद 10 बजे खाना देना है, तब तक सलाइन रहेगी। एंड वी आर सो हैप्पी, बहुत ज़्यादा कि मेरी सो रही है, उसको बांध के रखा है। ऐसे दिखाती हूँ, जैसे बेबी हुआ ना जस्ट तभी हाथ पे लिखा है कि फीमेल हुआ है, 2:28 PM का टाइम है एंड 2.700 ग्राम वेट है, सब डिटेल्स दिया है उसमें। दीदी बसी, दीदी कुठे मोबाइल हारो दीदीला बघ की तुझे नाव काय ते मला माहित नाही, आजी नाही म्हणता मम्मी नाही म्हणता मी तुला ते बोलायच नाही तुझ्याशी, मम्मी म्हण सांग, आपली मम्मी आली म्हणा मम्मी म्हणा, माझी छोटी
इकडे बघ हो ना तुझे तिथे हात लावून बाबा तुला कोणी नाही वाटत. गुड मॉर्निंग. चव पना कर चव चव तुझे ना कर चव सीजर नंतर पहिल्यांदा दीदीने बाळाला हाती घेतले ना. दीदीला काय बोलणार तू? कपडे आणले छान. मी छान रेडी होऊन आलो दीदी. बघ मी तुझ्यासाठी पण छान बघी लागली बघू. निघतोय आम्ही थोड्या वेळात. हो ड्रेसिंग खूप छान आणि खूप छान वाटलं आम्हाला. एकदम सगळं छान झालेलं हॉस्पिटल. मी सगळ्यांची सर्व्हिस पण खूप छान आहे. हमारी प्रिन्सेस आ गई है और आपको इसमें स्टार्टिंग से लेके मैंने अभी तक का देखा है. तीन दिन का था दीदी जब बेबी आया डिलीवरी हुआ उसके बाद दीदी को जस्ट दो दिन लगा रिकवर होने में क्योंकि हॉस्पिटल बहुत अच्छा था. उन्होंने सीरियसली आरओ के टाइम पे तो भी बहुत टाइम लगा था जब आरओ का भी सीजरी हुआ था और इस टाइम पे भी सेम था. फिर भी दीदी अच्छे से रिकवर हो गई और जल्दी रिकवर हो गई. आज तीसरा दिन है. परसों डिलीवरी हुई और आज हाँ आज तीसरा दिन है और आज ही डिस्चार्ज होगा. तो मैं अभी घर पे आई हूँ. मुझे बेबी वेलकम की तैयारी करनी है और ये थोड़ी देर में आ जाएगी. सो उसका अलग से ब्लॉग आएगा बेबी वेलकम का. तो आप वो भी ब्लॉग देखना ना भूलें एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.